अति पिछड़ा को बंधुआ मजदूर समझते थे। नीतीश कुमार जी ये बिहार से हार चुके हैं, सबों लोगों ने एक मत होकर के वोट देने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो बिहार विधानसभा के कुर्नी उपचुनाव में अब बीजेपी की जीत हो चुकी है। हमारे साथ पूर्व मंत्री रामसूरत राय मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि बीजेपी की जीत हुई है अब कुर्नी के विधानसभा उपचुनाव। कुर्नी की विधानसभा या सीट हमारा था, परंपरागत सीट था, सारे परंपरागत हमारे जितने भी समाज के वोट थे सबों लोगों ने एक मत होकर के वोट देने का काम किया है। इसलिए कुर्नी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं और अपने बिहार प्रदेश के नेतृत्व को भी आभार प्रकट करता हूं और तमाम वैसे लोगों को जो नीतीश कुमार को करारा जवाब, मुँह तोड़ जवाब देने का काम किया है, चाहे वो यादव समाज के बच्चे हों चाहे अन्य समाज के लोग हों। और वो अपने आप को हमेशा कहते थे कि अति पिछड़ा हमारा है, अति पिछड़ा को बंधुआ मजदूर समझते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कारण अति पिछड़ा उनके साथ था। आज अति पिछड़ा ने अलग करके बता दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ, देश के भविष्य के साथ हूँ। कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं नजर आ रही थी, कहीं कांटा उटा नहीं था, राम में खाली फूले फूल था, कांटा था ही नहीं। कांटा उनको नजर आ रहा था जिनके मन में कुछ न कुछ कांटा चुभ रहा था। रोने का मन था, आंख में खई गर गया। नीतीश कुमार जी ये बिहार से हार चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार विधानसभा के उपचुनाव में, कुर्नी उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई है और क्या कुछ कहना था पूर्व मंत्री राम सूरत राय का, वो आपने सुना देशवा न्यूज में। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।